लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण मेरे साथ चल के आए, भाई राज नेहरा जी, किसानों के बड़े नेता भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये नीमकाना की धरती पर उपस्थित विशाल जनसमूह, हमारी माताएं बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, थारो नीमकाना की धरती पे घणो घणो स्वागत। मैं अभी सब बता दूंगा क्या नारे लगाने। तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन सभी महापुरुषों को जिनकी वजह से आज ये मंच सजा, किसान, कमजोर, उपेक्षित वर्ग, हक वंचित समाज के नेता मंचों पर बैठे हैं, मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है और आपके बीच का हमारा छोटा भाई राजेश यहां से उम्मीदवार। मेरे प्रिय साथियों, राजतंत्र में राजा ने जो कह दिया प्रजा के लिए वो अंतिम लाइन होती थी, प्रजा को मानना पड़ता। फिर राजतंत्र को खत्म हुआ, राजतंत्र और लोकतंत्र आया, भारत के अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। और मैं जब याद करता हूं तो मुझे ऐतिहासिक रूप से ये पता है कि जब हम आजाद भी नहीं थे तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलकर इन वर्गों की तरक्की की लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के साथ सामने लड़ रहे थे और वो प्रयास कर रहे थे कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बने। मेरे राजस्थान के प्यारे साथियों, आप मुझे इसलिए नहीं जानते कि मैं किसी नेता का बेटा हूं, मैं किसी मुख्यमंत्री का भतीजा हूं, किसी सांसद का भाई हूं, किसी विधायक का चाचा हूं, ताऊ हूं। आप मुझे सिर्फ एक बात से जानते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी के मिशन का सिपाही हूं। और जब भी आप पे कभी भी कोई अन्याय अत्याचार, यहाँ किसानों पे, देश भर में, राजस्थान छोड़िए, मजदूरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पे, चाहे वो CHA के हमारे साथी हो जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की राजस्थान की, उनके आंदोलन का मामला जिसमें 4 दिन में जेल रहा जयपुर की, चाहे वो पहलवान बहनों के सम्मान की लड़ाई हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला, इंद्र मेघवाल का मामला हो, कार्तिक भील का मामला हो, ओम प्रकाश रजक का मामला हो, तोला गुजर का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जब आपकी तरफ जुल्म जाती की आंधियां उठी और चंद्रशेखर आजाद आपका साथ देने के लिए यहां देर से पहुंचा, कोई ऐसा मामला आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस प्रांगण में हमारी मातृशक्ति भी उपस्थित है। मेरी और हनुमान जी की दोस्ती की एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूं, समझता हूं, तो वो कहते हैं मैं किसी भी समाज की, देश की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है, उस देश में महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है, इसको मैं पैमाना मानता हूं। और जब ये अलायंस की बात चल रही थी, इनके अलग अलग तरह के रूप हैं, कभी ये गुस्सा होते दिखाई देते हैं, कभी ये प्यार बांटते दिखाई देते हैं, कभी ये हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं किसानों के लिए, कभी ये जहां न्याय होता कमजोर वर्गों पे भूसे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, उनके हक हकूक की लड़ाई में इकट्ठा खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे ऊपर असर छोड़ा वो ये थी कि बात है 1997 की, जब इसी राजस्थान के जयपुर, राजधानी जो है, अगर याद हो हमारे
प्यारे भाई के अगर याद हो, डीसी जेसी बोस हॉस्टल में जब जो घटना हुई, एक बहन का अपमान हुआ, रेप हुआ, और यहां के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं थी, बड़े बड़े नेता थे, कि कोई उस बच्ची की आवाज, उस बहन की आवाज उठा दे, उसको न्याय दिला दे। पुलिस भी ताकतवर लोगों के आगे कमजोर पड़ रही थी। जब आप नौजवान नहीं जानते होंगे, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक ही व्यक्ति था जिस लड़ाई को आज मैं लड़ रहा हूं, 25 साल पहले अपनी गाड़ी को भी सड़क पर लगा के जिसने ऐलान किया कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो ये रास्ते नहीं खुलेंगे। ऐसे आपके भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल, जब मैं उनका संघर्ष देखता हूं तो उनका संघर्ष और अपना संघर्ष मुझे एक जैसा लगता है। जब ये अकेले थे तब आपके लिए बहुत ईमानदार से लड़ रहे थे, अब तो हम 1 और 11। और जब हम 1 और 11 हुए, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा कि यहां के स्थापित दल जिनकी सरकार है उनको भी अपनी लिस्ट जारी करने में पसीने छूट गए। आखिरी दिन जारी कर रहे क्यों, उसका एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं कि जहां ये किसान कमेरे नौजवानों महिलाओं की आवाज है, वही हमने संघर्ष है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भीम आर्मी के एक साथी का, अपने भाई का, अपने वीर योद्धा का, जिन्होंने मुझे बल दिया। उनकी एकता इतनी मजबूत है, राजस्थान में अगर ये लड़ाई ले जाए तो सत्ता परिवर्तन कर सकती। मैं राजेश को कब से जानता हूं, मैंने आज भी आज 2018 में थाना गाजी प्रकरण हुआ इसका जिक्र किया, और मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं यूपी से आया और रास्ते में गिरिराज और ये और हमारे नेता नेत्री धनवाल को मिले मुझे, और उस दिन जो आक्रोश था उस बहन को न्याय दिलाने के लिए मेरे आज भी याद। तब मैंने राजेश को पहली बार देखा और मैंने उम्मीद की कि इस प्रदेश में नौजवानों में नेतृत्व उभर रहा है, अगर उनको सही पटल मिल गया और समय पर उनकी एनर्जी को समाज में व्यस्त न किया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जिस ऊर्जा के प्रभाव में बड़े बड़े शक्तिशाली परिवार के लोग ध्वस्त हो जाएंगे। आपके यहां राजस्थान में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम राजस्थान यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन इस बार यहां की वर्तमान सरकार इतनी घबराई कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई गरीब का, कमजोर का बेटा आगे बढ़ के एक नया नेतृत्व न खड़ा हो जाए। जब आपने एकता बनाई, आपको याद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने इतिहास रचने का काम किया, और इस बार आप पे मौका है कि आप नीमका थाना में भी इतिहास रचो। वोट आपका है, संघर्ष आपका है, लाठी आपने खाई है, जेल आपने काटी है, अन्याय आपने सहा है, आपकी वोट पे कोई और राज नहीं करना चाहिए। आपकी वोट से अगर किसी को ताकत मिले तो वो मेरे छोटे भाई राजेश कुमार भाईरा को मिले, और इतनी ताकत मिले कि वो विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ सके, आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सके। मेरे भोले वाले लोगों, आपने कांग्रेस की सरकार भी देख ली 5 साल की, उससे पहले आपने बीजेपी सरकार भी देखी, और इतिहास हमें सीख देता है जब यहां गुर्जर समाज के लोग आए आरक्षण की मांग करने, इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या स्वागत किया, जब हरियाणा में आए क्या स्वागत किया, और 2 अप्रैल 2018 को जब आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सरूर ट्राइब के लोग सड़कों पर आए, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आपका क्या हाल किया। जब मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया तो कांग्रेस के लोगों ने मुझे मेरे इंद्र मेघवाल के परिवार से जोधपुर में मिलने के लिए 4 बार वापस भेज दिया। जब मैं क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर में, इन्होंने मुझे यहां से उठा के जेल भेज दिया। मैंने कभी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझी, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे आपकी लड़ाई लड़ने की ताकत भी दो। आपका वोट जो बोतल के चुनाव चिन्ह, जो हमारे गठबंधन का चुनाव चिन्ह है, जब नीम का थाना पे हमारे प्रत्याशी को पड़ेगी, उससे मुझे शक्ति मिलेगी, और जब शक्ति मेरे पास होगी तो मैंने जो संकल्प लिया है कि इस बार
आपके बीच के भाई को, आपकी लड़ाई लड़ने वाले भाई हनुमान जी बेनीवाल को हम लोग मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, तो वो सपना तभी पूरा होगा मेरा संकल्प, जब आप इस वोट की शक्ति से हमें ताकत दोगे। आप नारे बहुत लगाते हो, बड़ी बड़ी रैलियां कराते हो, एक दिन के कार्यक्रम पे आप हजारों की संख्या में जुटे, आपका जोर जुनून भी बहुत मजबूत है, लेकिन आप सोचो जब तक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी आपके जीवन में हम लोग क्या बदलाव कर सकते ना। मेरी इच्छा है कि हर परिवार तक रोजगार पहुंचे। कैसे? क्या कांग्रेस के लोग आपको रोजगार देंगे? बताओ, क्या भाजपा के लोग आपको रोजगार देंगे? कांग्रेस के लोग तो रोजगार उनको देते हैं जिनको बस में बिठवा के पेपर लीक करवाते हैं। कांग्रेस के लोग तो गरीबों के सगे नहीं, कांग्रेस के लोग तो विधायक मंत्रियों के सगे हैं, उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाते हैं। आप में कितने विधायक मंत्री अपनी जेब को देखो। इसी राजस्थान में पानी की समस्या, इतनी जगह पे खारा पानी, खेती की समस्या, एक फसल एक साल बाद होती है, एक एक साल बाद होती है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यहाँ के निगम भी सरकार के राज में बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। आज इस बार आपके कंधों पर जिम्मेदारी, आप अपने कीमती वोट को इसलिए मतदान करें, भारी संख्या में मतदान करें, कीमती वोट को सोच समझ के दें, क्योंकि ये आपके आने वाले, ये आपके आज के वर्तमान को और आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगी। अगर आपने, जैसा मैंने 1997 की बात आपको बताई कि जिस बहन को वो जानते नहीं थे उसके सम्मान की लड़ाई के लिए संघर्ष किया 25 साल पहले, आप ये सोचिए अगर ऐसे भाई के हाथ में राजस्थान की शक्ति होगी तो क्या किसी बहन बेटी पे अत्याचार हो पाएगा? क्या कोई सामंती किसी गरीब को घोड़ी से उतार पाएगा? क्या कोई किसी को मुंह से रगड़ने पे हत्या कर पाएगा? बहुत सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि इस एकता के जरिए हम राजस्थान में समानता का राज स्थापित करेंगे। आज तो ये राज है कि गरीब के पेट खाली है और अमीर का कुत्ता भी खीर खा रहा है, अमीर का कुत्ता भी एसी में सो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, और गरीब के बच्चे सड़कों पे पढ़ लिख के इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ मिलेगा। ये मांगने से नहीं मिलेगा लोकतंत्र, मेरे लोगों, राजनीतिक ताकत बनाओ, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस बात को समझो। आपके पास शक्ति है, जब आप बटन दबाओगे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी लालच में पड़े, किसी बातों में गुमराह हुए, किसी के बहकाव में आए, तो वही लोग राज करेंगे जो अब तक करते आए हैं, और फिर आपको भी वही मिलेगा जो मिलता है। अब ये सोचो कि वही चाहते हैं जो मिलता है या कुछ अच्छा चाहते हो? अगर अच्छा चाहते हो तो दोनों हाथ उठा के बताओ कि इस बार आपका मत जो है वो आरएलपी या एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती से मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठाओ जोर से, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। मैं आपसे वादा करता हूं इस सीट पे मेरे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं एक बार और जरूर आपके बीच आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक नौजवान मेरा छोटा भाई यहां से आगे बढ़ के जाए और यहां की जनता की सेवा करे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे, अगर आपकी सीटें आएंगी तो आप कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे या भाजपा के लोगों को? मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बहुत दिन हो गया हमें बनाते हुए, थकते हुए, लूटते हुए, अब हम लूटने वाले नहीं है, हम पे नेता भी है, हम पे झंडा भी है, हमारा डंडा मजबूत है, हम जितने हमारे विधायक जीतेंगे उनका एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि भाई हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, किसान का बेटा कुर्सी बैठे और आपकी तरक्की के रास्ते खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहर और जय संविधान। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, सत्यवादी मीर कैलाश जी महाराज की जय। प्रतिमा भेंट कर दोनों नेताओं का यहाँ एकता तरह के बहुत जोर से नारा लगाते हैं तेजा जी महाराज का, उनका संकल्प तो याद करो, वो अपने वचन के पक्के थे, आप भी वचन के पक्के हो जाओ कि इस बार आप गुलामी की बेड़ियां काट के अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, हम लोग।